हेलो दोस्तों, आज बनाते हैं एक नई रेसिपी जिसका नाम है मलकी दाल की बिरयानी। चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट पड़े, कैसे बनाना है, इसे लेते हैं। कुछ खड़े मसाले, हींग, जावित्री, लौंग, काली मिर्च, दाल मलके की, लाल मिर्च, तेज पत्ता। उसके बाद चढ़ाते हैं फ्राई पैन। फ्राई पैन में डालते हैं 2 टेबल स्पून ऑयल। उसके बाद एक एक करके इसमें खड़े गर्म मसाले डालते जाएंगे, जैसे 1 टेबल स्पून हो गया जीरा, थोड़ी सी तेज पत्ता, उसके बाद 4-5 दाने काली मिर्च, 4-5 दाने लौंग, 1/2 टेबल स्पून हींग, उसके बाद दालचीनी, उसका 2 लाल मिर्च। इसको अच्छी तरह से रोस्ट करके पकाएंगे। जब पूरी तरह से पक जाएगा तो इसमें दाल को सर्व कर देंगे, मलके की दाल को इसमें सर्व कर देंगे। उसके बाद इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा पानी। पानी ऐड करने के बाद में इसको फिर अच्छी तरह से चलाएंगे। चलाने के बाद इसको लगभग 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे इसे अच्छी तरह। तब तक मैंने 2 घंटा पहले चावल को भिगा दिया था। भिगाने के ऊपर चावल पूरी तरह से फूल जाता है। उसके बाद ढक्कन उठाते हैं, उसके बाद इसको चलाते हैं मलके की दाल को। उसके बाद में इसमें ऐड कर देते हैं चावल। चावल ऐड करने के बाद में फिर इसको अच्छी तरह से चलाएंगे। अगर इसमें पानी कम हो तो पानी आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो पानी ज़्यादा नहीं ऐड करना। अगर चलाने के बाद में इसमें ऐड करते हैं 1 टेबल स्पून नमक। नमक ऐड करने के बाद में इसको ढक कर फिर पकाएंगे अच्छी तरह से। देख सकते हैं लगभग मेरी बिरयानी बन के तैयार हो चुकी है, एकदम सिंप्लीफाइड में बन के तैयार हो चुके हैं और जल्दी बन के तैयार हो चुके हैं, एकदम सरल तरीके से। न मसाला डालना है, न कुछ डालना है। आपको मैं एक चावल उठा के दिखाता हूँ। चावल भी पूरी तरह से पक चुका है और दाल भी पक चुकी है। उसके बाद इसे ढक कर थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। उसका फिर से उठाते हैं ढक्कन। देख सकते हैं मेरी बिरयानी बन के तैयार हो चुकी है, एकदम लाजवाब एवं हेल्दी एवं टेस्टी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। उसको ऊपर से ऐड करते हैं बटर। चलिए फिर मिलते हैं नई रेसिपी में। जय हिंद, जय भारत।